मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आप माहौल देख रहे हैं इस वक्त फिलिस्तीनी मजलूमों के हक़ में जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और फिलिस्तीनी आवाम के साथ होने का सबूत दे रहे हैं। और यहां बाकायदा अमेरिका और इसराइल के जो ज़ालिमाना पॉलिसी हैं और फिलिस्तीन पर मुसलसल अमरीका और इसराइल का जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ एहतजाज यहाँ रोज़े की हालत में जो मुसलमान हैं वो आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। फिलिस्तीनी आवाम को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हम मुसलसल फिलिस्तीनी आवाम के साथ खड़े रहे थे और आगे भी खड़े रहेंगे। ये इसराइल का पुतला है, नेतन्याहू का पुतला है, और ये अलामत है, ये पुतला इस बात की अलामत है कि जो ज़ायोनिज्म इस दुनिया में जारी है, फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो जुल्म है, उस जुल्म को अलामत के तौर पर, सिंबल के तौर पर ये पुतला जलाया गया है। हम ज़ायोनिज्म के विरोध में है, इंपीरियलिज्म के विरोध में है, हर उन फोर्सेस के विरोध में है जो फोर्सेस ऑपरेशन की फोर्सेस है, जो गासिब है, लोगों के हुकूक को सलब करना चाहती हैं, खास तौर पर फलस्तीन के लोगों को 70 साल से जो उनके घरों से निकाल के बाहर कैंपों में रहने पर मजबूर किया है, उन फोर्सेस के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, अमरीका के खिलाफ ये प्रदर्शन है। देखिये, डिप्लोमेटिकली तमाम ममालिक फलस्तीन के साथ खड़े हैं और ये एक डिप्लोमेटिक मेजर है। जो जब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन आता है तो सारी दुनिया फलस्तीन की हिमायत करती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फलस्तीन, आज अगर आप यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन देखेंगे 77 रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ है और फलस्तीन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एक रेजोल्यूशन है अभी तक की तारीख में। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जहां ऑन रिकॉर्ड चीजें कही जाती हैं वहां सारी हिमायत फलस्तीन के लिए मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर जहां प्रैक्टिकली उनको हिमायत की जरूरत होती है वहां दुनिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फलस्तीन के मफाद से सरफे नजर करती है। ये डील ऑफ द सेंचुरी जो अभी होने जा रहा है जून के महीने में, ये डील ऑफ सेंचुरी एक्चुअली है फलस्तीन के अवाम की जो ख्वाहिशात है उसका आईनादार नहीं है। ये चंद बड़ी ताकतें बैठ के फलस्तीन के अवाम के मुस्तकबिल का और उनके मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकती। जब तक फलस्तीनी लीडरशिप वहां पर खड़े होकर अपना मौके बयान नहीं करती, कोई डील ऑफ द सेंचुरी मुमकिन नहीं है। एक झूठ है, एक छलावा है। देखिए, आज पूरी दुनिया के हालात ये हैं कि जालिम की हिमायत में ज्यादा लोग खड़े हैं, मजलूम की हिमायत के लिए लोग नजर नहीं आते। फिलिस्तीन का मुद्दा भी कुछ इसी तरीके से एक मसला है कि फिलिस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया खामोश है। कहीं पर अगर कोई एक इंसान मर जाता है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, मगर यहाँ फिलिस्तीन में हजारों लोगों को रोज जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, मगर पूरी दुनिया खामोश नजर आती है। अभी अमेरिका ने डील ऑफ सेंचुरी की बात की है, ये खुला धोखा है फिलिस्तीनी आवाम के साथ। हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की ये विदेश नीति रही है कि उसने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे हमेशा से ही हिमायत के लिए खुले रहे हैं। हम भारतीय मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि भारतीय मीडिया ने भी, भारत सरकार ने भी, भारत के लोगों ने भी हमेशा फिलिस्तीनी लोगों का साथ दिया और फिलिस्तीनी लोगों की हिमायत की। हम मुतालबा करते हैं अपनी भारत सरकार से कि वो अपनी विदेश नीति में फिलिस्तीन के लोगों के हकों की आवाज़ को उठाए और इसराइल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में पास कराए। ये इंसानियत की आवाज़ है, चाहे इसमें कोई भी मजहब हो, कोई भी फिरका हो, उसको साथ देना चाहिए, इंसानियत का साथ देना चाहिए। ये बताइए कि फिलिस्तीन में जो छोटे छोटे बच्चे जिनको जख्मी हालत में देखें आप कितना दिखाया जाता है, ये जो औरतें उन पर जुल्म हो रहा है, तो क्या ये जुल्म इंसानियत पर जुल्म नहीं है? यकीन है इंसानियत पर जुल्म है और हर
इंसान को बेदार होकर उनकी हिमायत करनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से खड़े होकर एक मरतबा ये तो कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये हमारा साथ इंशाल्लाह कभी भी किसी मजलूम की आह खाली नहीं जाती है। एक दिन, ये अभी कम है, खुमैनी साहब का ख्वाब पूरा होगा, एक सैलाब आएगा और हम सब इंसानियत का साथ देने आए हैं। अगर जुल्म की पूरी तरह फिलिस्तीनियों के साथ, हाँ बिल्कुल पूरी तरह फिलिस्तीनियों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इसराइल का तो वक्त आ चुका है जब बिल्कुल इसराइल नक्शे से ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि जो जालिम होता है आप देख लीजिए, फिरौन को देख लीजिए, यजीद को देख लीजिए और आज के सद्दाम को देख लीजिए, एक दिन वो मिट गया ये भी मिट जाएगा। हम मजलूम का साथ दे रहे हैं और हर जालिम के दुश्मन है चाहे कोई भी हो। हम ये कहना चाहते हैं इसराइल और अमेरिका के लिए कि हमारे रहबर मुअज़्ज़म ने बोला है कि ये 25 साल भी आइंदा आने वाले 25 साल नहीं देखेगा, तो हम ये आज ये बताने आए हैं यहाँ पर कि हर मुसलमान दुनिया का जो वहाँ पर जुल्म और जोर हो रहा है, इसराइल और अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि इन सारे प्रोटेस्ट से हम तुम्हें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो ये जो कलाम कहे गए हैं कि आने वाले 25 साल नहीं देखेगा, तो आने वाले हम ये जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं आज प्रोटेस्ट के लिए, ये जब जवान हो जाएंगे 25 साल के होंगे, ये बच्चे जो है जश्न मनाने आएंगे फिलिस्तीन की आज़ादी का। देखिए हमारी मांग ये है कि जो फिलिस्तीन के मजलूम हैं उनको उनका हक दिया जाए, उनके ऊपर किसी भी तरह का जुल्म सितम ना किया जाए, जो बराबर उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, ख़ुदकुशी के हमले किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, ना उनको स्कूल जाने दिया जा रहा है, हत्ता कि उनके पास मेडिसिन तक मौजूद नहीं है, दवाइयों पर पाबंदी लगा रखी है, डॉक्टरों को जाने नहीं दिया जा रहा है, टीचर वहाँ पर पढ़ाने के लिए पहुँच नहीं रहे हैं। हमारी अक़वामे मुत्तहिदा से मांगे कि जिस तरह पूरी दुनिया के दूसरे लोग अपने अपने मज़हब को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिलिस्तीन के मंजलूमों को भी उनके हक दिया जाए और उनको आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। देखिए ये धरना इमाम खुमैनी के इस्तगासे के बाद, जब उन्होंने कहा था कि मैं उम्मत मुस्लिमा से कहता हूँ अलविदा जुमों को सब सब अपने घरों से निकलें और पूरी दुनिया को एहसास दिलाएँ कि हम बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना चाहते हैं। आज भी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों की तादाद में, यहाँ लड़कियाँ भी हैं, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, तमाम लोग रोज़े की हालत में हम मौजूद हैं, इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि फिलिस्तीन के मजलूमों आप तन्हा नहीं हो, हम भी आपके गम में बराबर के शरीक हैं, जितना बैतुल मुक़द्दस आपका है इतना बैतुल मुक़द्दस हमारा है, जब आपको मिलेगा तो हम भी बैतुल मुक़द्दस में जाके नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। इसराइल को वहाँ से जाना होगा, फिलिस्तीनियों को वापस आना होगा फिलिस्तीन सरजमीन पर, जब फिलिस्तीन पर इसराइल में जब इंसाफ कायम हो जाएगा पूरी दुनिया में इंसाफ कायम हो सकता है, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद किया जाए, सरजमीन फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए और मजलूम कौमों को उनकी सरजमीन में वापस बुलाया जाए, तभी दुनिया में इंसाफ कायम हो सकता है। हम इन दोनों के जुल्म ज़्यादती की शदीद मजम्मत करते हैं, हम ही नहीं पूरा आलम इस्लाम मजम्मत करता है, और हम मुतालबा करते हैं अमेरिका से, उसके हवारीन से और फलस्तीन के दुश्मनों से कि अपनी इन चालों को ख़त्म करें, जुल्म का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो चुका, मुसलमान बेदार हैं, जुल्म के मुकाबले में खड़े हुए हैं, और हमारा मुतालबा यह है कि जल्द से जल्द आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार की जाए। बहुत काबिल मुबारकबाद है, रमज़ान का ज़माना, जमतुलविदा, दो शहर के दूर दूर इलाकों से आए हुए लोग इस बात का इजहार करते हैं कि फ़लस्तीन के मसले से, अलकुद्स के मसले से कितनी गहरी वाबस्तगी उनकी है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके उनके इन कोशिशों और काविशों के नतीजे में एक बेहतर सूरत पैदा हो, बेहतर सूरत पैदा हो। तो आपने देखा इस वक्त जो इस प्रोटेस्ट में आए हुए उलमा और ज़ाकिरीन थे, जो इस प्रोटेस्ट में शरीक हुए थे लोग, उनका सबका यही कहना है, बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन ने भी शिरकत की है, जिन सबका यही कहना है कि हम मुसलसल फ़िलिस्तीन के साथ खड़े रहे थे और आगे भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे, और अब यहाँ मार्च करने की जो तैयारी है वो हो चुकी है, बड़ी तादाद में मुसलमान बड़ी संख्या में हैं और अब ये बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं वो मार्च करेंगे और फिलिस्तीन के साथ होने का सबूत देंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाज़िम अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी। अमेरिका इज़राइल, अमेरिका इज़राइल, अमेरिका इज़राइल, अमेरिका इज़राइल।